दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले नए और सार्थक शब्द को समास कहा जाता है। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण होना, यानी किसी भी शब्दों का संक्षिप्त रूप जो होता है उसे समास कह सकते हैं। सामासिक शब्दों को विभक्ति सहित अलग अलग कर दिया जाता है तो इसे विग्रह कहा जाता है। क्योंकि समास का विग्रह हो रहा है तो इसे समास विग्रह कह सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में राजपुरुष का समास विग्रह और राजपुरुष में कौन सा समास होता है के बारे में जानेंगे। तो प्यारे साथियों, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि यहाँ पर अच्छा ज्ञान मिलने वाला है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राजपुरुष शब्द का समास विग्रह क्या होता है। तो दोस्तों, राजपुरुष शब्द का समास विग्रह होता है राजा का पुरुष। यानी जब राजपुरुष का समास विग्रह किया जाता है तो राजा का पुरुष बनता है। अतः हम जान लेते हैं कि राजपुरुष शब्द में कौन सा समास होता है, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, राजपुरुष में कर्मधारय समास होता है। कैसे पता चलेगा कि राजपुरुष में कर्मधारय समास है? तो इसके लिए आपको कर्मधारय समास की परिभाषा या कर्मधारय समास किसे कहते हैं पता होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, कर्मधारय समास किसे कहते हैं आइए जान लेते हैं। कर्मधारय समास को समझने के लिए हम पांच तरह की बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, तभी आप कर्मधारय समास को पहचान सकते हैं। इस समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है। सेकंड है, इस समास में विशेषण और विशेष संबंध पाया जाता है। इसमें एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। विग्रह करने पर रूपी शब्द का प्रयुक्त होता है। कर्मधारय समास के कुछ ऐसे प्रसिद्ध उदाहरणों के बारे में जान लेते हैं जो अनेक तरह की परीक्षाओं के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो कर्मधारय समास के ऐसे उदाहरण है, मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, नील कमल, नीला है जो कमल, राजीव लोचन, राजीव यानी कमल के समान लोचन, विद्याधान्य, विद्या रूपी धन, घनश्याम, घन जैसा श्याम, मृग नयनी, मृग के समान नैनो वाली, नील गाय, नील है जो गाय। यानी दोस्तों, नील गाय का समास विग्रह होता है नीली है जो गाय। इसी तरह से इन शब्दों का सभी समास विग्रह बताया गया है। इस तरह से दोस्तों, आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि राजपुरुष का समास विग्रह राजा का पुरुष होता है और राजपुरुष में समास क्रमधारय समास होता है। अतः हम आशा करते हैं कि आपको राजपुरुष का समास विग्रह समझ में आया होगा। अगर आपका किसी भी तरह का प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि हम सभी विद्यार्थियों को उनके प्रश्न का उत्तर देते रहते हैं। और अंत में, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि ऐसा ही अध्ययन यहाँ पर आपको मिलेगा। मिलेंगे एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पर उपस्थित अनेक तरह के हिंदी व्याकरण से जुड़े वीडियो आप देख सकते हैं।